असम की संस्कृति संगीत संस्कृति की अगर परिचय की बात किया जाए तो पूरे विश्व में एक ही नाम हमेशा आता था और आता रहेगा और वो है प्रयात डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। और दिल हुम हुम करे घबराए घन धम धम करे गर जाए एक बूंद तभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। सब लोग जानते हैं इस गीत को, लेकिन मेरे लिए भूपेन हजारिका जी की जो असमिया साहित्य में उनकी जो भी रचनाएं रहे वो एक तरह से वो पॉल और ऑप्शन से बहुत प्रेरित रहे और आम जन के लिए आम लोगों के लिए बहुत कुछ कहे। उन्होंने संगीत को एक तरह की सोशल रिफॉर्मेशन का एक तरह से अहिला के रूप में लिया, तो संग्राम का आंदोलन का नाम है भूपेन हजारिका जी। तो उन्होंने गंगा जी से सवाल किया और ख़ासकर जब असमिया में वो गीत की बात आती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी से उनका संबंध बहुत हमेशा बहुत गायब वो ब्रह्मपुत्र को लेके, तो अगला गीत भूपेन हजारिका जी को समर्पित है और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों की इसमें जिक्र है, दोनों से सवाल है। विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। विस्तीर्ण पारे অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনি নিশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বুয়া हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्र विहीन मौन हो इतिहास की पुकार करे हुंकार वो गंगा की धार निर्बल जन को समर संग्रामी समग्रागामी बनाती नहीं हो क्यों। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज उपभोक्ति क्यों। तेजस्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चिंतनहीन प्राणों में प्रेरणा देती हो क्यों। उन मतवा बनी कुरुक्षेत्र बनी শব্দ সদা